आप देख रहे हैं फैमिली चैनल। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? देखिए व्यूवर्स, मैं आपको पराठा बनाने की अच्छी सी तरकीब, आसान सी तरकीब बताऊंगी। ये मैंने दो पेड़े नॉर्मल किस्म के लिए हैं और इन्हें मैंने इस तरह किया है। देखिए ज़रा इस तरह आपने इन्हें आटा, ज़रा फ्रिज का है, थोड़ा सा ठंडा है। आपने पेड़े 10 एक मिनट बना के अगर फ्रिज का आटा है तो रख लेने हैं। इस तरह आपने ऑयल लगाना है। और इस तरह पराठे की आपने कटिंग करनी है रोटी की ना, बेलने के बाद। इस तरह आपने इसको इस तरह, ये देखे, बिल्कुल इस तरह रोल करना है। नरम नरम नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आपने इन्हें इस तरह लपेट लेना है। ये पराठा बहुत मज़े का बनता है, तो सबसे ज़्यादा इसकी परतें बड़ी ज़्यादा बनती हैं। आप जितना मर्जी पराठा बनाएं लेकिन परतें नहीं निकलती, तो इससे ना पराठे की परतें निकलेंगी। इस तरह आपने सबको एक दूसरे के ऊपर लपेट लेना है। बड़ा टाइट करके, नरम नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये इस तरह, ये देखें व्यूवर्स, तमाम परतें हो चुकी हैं। अब आपने इस तरह थोड़ा सा खुशका लगाना है। ये तरह ही आपने करके रख लेना। बाकी तो इस तरह पेड़े, आप जितने भी आपने पराठे बनाने हैं, पहले आपने पराठों को इस तरह बेल के पेड़े बना के रखना है, फिर बाद में तवा रख के आप कीजिएगा, क्योंकि इन्हें टाइम लगता है। तो इसलिए आपने तमाम पेड़े, मैं दोबारा आपको करती हूँ, ऑयल के बाद आप थोड़ा सा रोटी के ऊपर खुशका भी लगा सकते हैं। ये भी मैं आपको भी बताती हूँ, देखिएगा। ये देखिए, जिस तरह आपको अच्छा लगे वैसे इस तरह ज्यादा और अच्छा पराठा बनेगा। व्यूअर्स, इसी तरह आपने सारे पराठे इसी तरह तैयार करके रख लेने हैं पेड़े, तो बाद में फिर ये आप पराठे बना लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, इस तरह आपने ये चंगेर सी बनानी है, इस तरह अंगूठे के साथ अच्छी तरह। पूरा बेलने चकले तक ना आपने इस पराठे को बड़ा कर लेना है। क्योंकि इसकी परतें अब ज्यादा हो गई हैं, तो इसको थोड़ा सा त्याग से आपने बेलना है। देखें व्यूअर्स, पराठा बनने के लिए तैयार है। आपने इस तरह, देखे व्यूवर्स, इस तरह मैंने ये पराठा डाल दिया और इस पे आपने 1-2 चम्मच ऑयल घी के डालने हैं।
देखिए नीचे से पराठे की शक्ल चेंज हो गई है, अब आप इसे इस तरह करके पकने दें। देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा पराठा बन रहा है, ये देखिए। अभी मैं आपके उतार के दिखाती हूँ इसकी कितनी पट्टे बनी है। देखिए व्यूअर्स इसकी आप पट्टे कितनी ज़्यादा है, ये देखें, ये ऐसे आप ये बनाएं, ये आपके घर वालों को आप बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये आप पराठे दाल के साथ, किसी के साथ, सालन के साथ बनाएं, इंशाल्लाह बच्चों को भी पसंद आएंगे। मेरे तो नवासे नवासियाँ बहुत शौक से मुझसे ये पराठे बनवाते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को, घर वालों को बना के खिलाएं।